हम सभी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने और मस्तियाँ करने जाते हैं, मगर दुनिया में कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें आत्माएं निवास करती हैं। ये सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का डरावना और डार्क इतिहास है, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल जिसे रुख काब जाए। तो आज हम ऐसे ही 10 यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जो कि पूरी तरह से हॉन्टेड है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फिर से शुरू करते हैं। नंबर 10, इस यूनिवर्सिटी से अजीब घटना जुड़ी है। इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थी एडिथ, जिसका बहुत ही डरावना बैक स्टोरी था। एडिथ के सीनियर्स उसको बहुत बुली किया करते थे, जिसके कारण उसने एक दिन अपने आप को फांसी लगा ली और उसका बॉडी एटिक में पाया गया, एक ऐसी जगह जहां वो हमेशा छुप कर रोती थी। इसी जगह पे वो मार्बल्स भी खेला करती थी। उसकी मौत के बाद स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उस एटिक से अभी भी मार्बल्स खेलने की आवाज़ आती रहती है और कभी कभी रोने की और उसमें से चिल्लाने की भी आवाज़ बाहर आती रहती है। नंबर 9, डाउनलैंड कॉलेज ऑस्ट्रेलिया का सेकेंडरी स्कूल है, जो एक समय में मिलिट्री क्वार्टर हुआ करता था। वहाँ के स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसा आदमी को देखा जिसका पूरा बॉडी में आग लगा हुआ था, एक ऐसी औरत जो कि बिल्डिंग में घूमती रहती है। 2015 में जब कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस कॉलेज में रिसर्च करने आए, उन्होंने एक अजीब सा पिक्चर देखा। उनको एक क्लास का पुराना फोटो मिला जिसमें बच्चे अजीब लग रहे थे और ये प्रूव हो गया कि ये कॉलेज हॉन्टेड है। ज़रा इस फोटो को आप भी ध्यान से देखें। नंबर 8, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अगर आपने इस कॉलेज में 3 बार एमा ल्यूस का नाम लिया तो उसकी आत्मा आपके सामने आ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़की को एक टनल में मार दिया गया था। ये टनल पूरे कॉलेज को नए कॉलेज से जोड़ता है। एक बार स्टूडेंट्स के ग्रुप ने इसका नाम 3 बार लिया और उनके मुताबिक उन्होंने एक लड़की की हंसती हुई आवाज़ सुनी और दीवारों पर शब्द जैसे हेल्प मी, डाई और मर्डर लिखा हुआ देखा। उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स की तबीयत हफ्तों तक खराब रहा। नंबर 7, 1964 में स्थापित यह यूनिवर्सिटी एक समय मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। इस यूनिवर्सिटी में कोई कोई जगह खुद ब खुद म्यूजिक बॉक्स स्टार्ट हो जाता है और एक अजीब सा म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये म्यूजिक बॉक्स एक लड़की की आत्मा स्टार्ट करती है। ये लड़की इसी पागल खाने में एडमिट हुई थी और इसे कभी भी इसके मनपसंद टॉयज से खेलने की इसे इजाज़त नहीं मिली। तो अब जब उसकी मौत हो गई तो वो सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है जो ये जिंदा रह कर नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्होंने कई बार इसके आत्मा को महसूस किया है जो इस यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द हॉन्टेड यूनिवर्सिटी बना देता है। नंबर 6, इस यूनिवर्सिटी में 2 पत्थर के मजदूर काम किया करते थे। एक वुमेन के कारण दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई और उनमें से एक आइवन की मौत हो गई। उसका बॉडी वही कैंपस में दफना दिया गया। उस दिन से ये कहा जाता है कि उसका आत्मा इसी यूनिवर्सिटी में भटकते रहती है। इस यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर बिल्डिंग्स हॉन्टेड है। वहाँ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी स्टाफ को भी खाली कमरों से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे मानो कोई उसके दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है। चॉकबोर्ड्स, टेबल्स अपने आप मूव करने लगती है। नंबर 5, इस यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसे आत्माएं जुड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ के लोग के मुताबिक एक 12 साल का लड़का का पानी में डूब कर मौत हो गया। ये लड़का उसी स्कूल का एक प्रोफेसर का बेटा था। माना जाता है कि स्टूडेंट्स को कभी कभी इसका आत्मा डूबते और मदद के लिए चीखे लगाते हुए दिखाई देती है। इसी स्कूल से जुड़ी एक और डरावनी आत्मा है जो कि एक लड़की का रूह है। कथित तौर पे वो चलती हुई ट्रेन से कूद गई थी, जिसके वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था। कैंपस के बाहर एक रास्ता है जो उसी रेलवे स्टेशन तक जाती है। अक्सर वहाँ के छात्र और टीचर्स उस लड़की की रूह को वही रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। अंधेरा होने के बाद स्टूडेंट्स उस रास्ते को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। नंबर 4, ये यूनिवर्सिटी 1857 में बनाया गया था। 1945 में जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था,
उससे सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर में ये स्कूल स्थापित है। उस एक्सप्लोजन के कारण 800 स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स की मौत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी इन लोगों की आत्मा उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। हर कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी मेंबर्स को इनकी आत्माएं दिखती है। इनफैक्ट कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट्स को लोगों की रोने की आवाज़ और चीखें सुनाई देती है और हवा से मांस की गंध आती है। नंबर 1413 में स्थापित यह यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। यह यूनिवर्सिटी जितना अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए फेमस है, उतना ही हॉरर स्टोरी के लिए। यह यूनिवर्सिटी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अलग अलग आत्माओं को देखा गया है। यह स्कॉटलैंड का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। पैट्रिक हैमिल्टन उसी स्कूल के छात्र थे। ऐसा माना जाता है उनकी आत्मा आज भी ये स्कूल में मौजूद है। पैट्रिक कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, जिसके वजह से उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उनको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट के बाहर में लकड़ी पर रख के जिंदा जलाया गया था। अजीब बात यह भी है कि इनकी बॉडी 12 से 6 बजे तक जलती रही, क्योंकि उस समय दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा था। इसी कारण उनकी आग में गन पाउडर भी डाला गया, फिर भी आग तेज नहीं जली। अभी के समय ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे आग लगाया हुआ जगह पे जाते हैं, वो बहुत दिनों तक बीमार हो जाते हैं और एग्जाम्स में फेल भी हो जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े टॉपर्स हों। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा ही और कई आत्माएं हैं। उनमें से एक और है द वाइट लेडी। इसकी आत्मा कई दफ़ा देखी गई है। माना जाता है कि इसको कोई विजिटर्स पसंद नहीं है। बहुत सालों तक इस पर कोई विश्वास नहीं करता था, मगर 1868 में उस यूनिवर्सिटीज़ में एक छुपा हुआ चेंबर मिला जिसमें एक कॉफिन था। उस कॉफिन में एक औरत की डेड बॉडी मिली जो पूरी तरह वाइट कपड़ों में लपेटी हुई थी। नंबर 2, इस यूनिवर्सिटी का डरावना और काला इतिहास है। हिडलबर्ग में ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें होती है जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टाफ मेंबर्स भी महसूस करते हैं। स्टूडेंट्स ने ये सब घटनाओं का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को ठहराया। यूनिवर्सिटी में एक क्लिनिक है जिसमें सारे राज छुपे हुए हैं। हिटलर के रूल के समय औरतों को फोर्स किया जाता था कि वो अपने आप को स्टरलाइज यानी नसबंदी करें, जिसके वजह से ये कैंपस का सबसे डरावना जगह बन गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस जगह से डरावनी चीखें और औरतों की रोने की आवाज़ आते रहती है। ये हॉन्टेड चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती। 1933 में यहीं पे नाज़ी लोगों ने बैंड बुक्स को जलाया था और स्टूडेंट्स के मुताबिक आज भी यहाँ से किताबों के जलने की गंध आती रहती है। अर्ली 20s में बहुत सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स को मारा गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी आत्माएं अभी भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। कहा जाता है कि रात के समय जब क्लासेस में कोई नहीं होता तो ब्लैक बोर्ड्स पे अजीब अजीब शब्द लिख रहते हैं और ब्लैक बोर्ड्स खुद व खुद मिट जाते हैं। कॉरिडोर्स में अभी भी इन टीचर्स की आहटें सुनाई देती है, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज बना देता है। नंबर 1, गेटिसबर्ग कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स का हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ ऐसे चीज़ें दिखती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। 1863 जुलाई 1 से जुलाई 3 के बीच में इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही ख़तरनाक वॉर हुई थी, जिसमें हज़ारों जवान शहीद हुए। गेटिसबर्ग कॉलेज क्योंकि उस वॉर जोन के बहुत पास थी, तो इस कॉलेज को टेम्प्रोरी हॉस्पिटल बना दिया गया, जिसमें घायल जवानों को लाया जाता। बहुत सोल्जर्स उस कॉलेज में दम तोड़ देते थे। हर कमरे में 700 से ज़्यादा घायल जवान भर्ती रहते थे। हॉस्पिटल्स के बाद उसको टेम्प्रोरी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। पेन हॉल में बहुत दिनों तक उसमें जवानों का सर्जरीज होती रही और वहीं शहीद जवाने के डेड बॉडीज बाहर में फेंके हुए। सालों बाद आज भी यहाँ डरावनी चीज़ें नजर आती। स्टूडेंट्स के मुताबिक उन मरे हुए सोल्जर्स की आत्माएं स्कूल के कॉरिडोर से पेन हॉल तक जाते हुए दिखती हैं। सोल्जर्स के दर्दनाक चीखें अभी भी उस कमरे से आती हैं। और सबसे ज़्यादा डरावनी घटनाएं तब हुई जब कॉलेज स्टाफ लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर जाने के बजाय अपने आप बेसमेंट में पहुंच गया। उन्होंने बेसमेंट में जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने देखा कि घायल जवान अभी भी लेटे हुए हैं और डॉक्टर्स उनकी सर्जरीज कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये सोल्जर्स इनकी तरफ बढ़ने ही लगे कि बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स खुद व खुद बेहोश हो गए।
तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।